हेलो गाइस, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बनाएंगे तोरी की सब्जी। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, इसको घिया भी बोलते हैं, तोरी भी बोलते हैं, गिलकी भी बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, तो आप मुझे भी बताइए। हम तो इसको गिलकी बोलते हैं। तो इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी आज हम बनाएंगे और इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो हम बनाएंगे तोरी की सब्जी। तोरी की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये 1 केजी तरोई ले ली है और इसको मैंने धो दिया है और अब हम इसको छील के काट लेंगे। और इसी के साथ मैंने मसाले के लिए लिया है ये 3 मीडियम साइज की प्याज ली है और ये लहसुन लिया है। इसको भी हम अच्छे से छील के काट लेंगे और चॉप कर लूँगी। और इसी के साथ मैंने ये लिया है 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा। तो मैं इसके साथ ये तीनों का पेस्ट बना लूँगी और इसको छील के काट लेते हैं। तो हमने ये सारे गिलकी को साफ कर लिया, इसका छिलका निकाल लिया है और इसको मैंने ऐसे दो दो जो पतली थी गाइज, उसको मैंने ये जैसे ये पतली थी तो मैंने इसको केवल 2 पीस में काटा है और कुछ इसमें से मोटी थी तो उसको मैंने 4 पीस में काट दिया है। तो इसको आप क्या क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसको तोरी बोलते हैं। और इसमें एक तरोई आती है, जब सीजन रहता है तो उसमें ऐसे लाइनिंग रहती है। अभी तो इनका सीजन है नहीं, तो अभी मुझे यही मिली तो मैंने सोचा चलो हम बनाते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है सब्जी, तो जैसे मैं बनाऊँ आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और हमने इसके लिए कुछ मसाले लिए, इसमें बहुत ही कम मसाले में बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो हमने ये लिया था लहसुन और प्याज, अदरक तो मैंने इसको चॉप कर लिया। इसी के साथ मैंने ये 2 मिर्ची ली है, ये मिर्ची थोड़ी कम तीखी है लेकिन ज़्यादा तीखी नहीं है। तो मैंने ये 2 मिर्ची चॉप कर ली है। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक लिया है, 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच ही मैंने ये मिर्ची ली है। ये थोड़ी सी कम तीखी है लेकिन ये भी थोड़ी कम तीखी है। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है और ये मैंने लिया है तेल, ये 1/4 कप तेल है। तो हम अब करते हैं सब्जी को फ्राई। अब मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम ये तेल डाल देंगे गाइस, और तेल को गर्म हो जाने देंगे। ये हमारा तेल गरम हो रहा है और ये बहुत ही अच्छी बनती है। मैं तो जब भी ये तरोई लाती हूँ तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, रस्से वाली बनाती हूँ कभी कभी, बाकी तो मैं इसी तरह बनाती हूँ पूरे सीजन। और ये एकदम से मेरी फेवरेट सब्जी है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको हमने डाल दिया जीरा को, जीरा हमारा हो गया और इसी साथ डाल देंगे हम ये प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट और इसी में हम डाल देंगे ये कटी हुई मिर्ची। और हम इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा इनको पिंक कर लेंगे जब तक इसको हम पका लेते हैं। तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, प्याज का पिंक कलर हो जाएगा जब तक हमको पकाना है। मैं इसको पका लेती हूँ। हमने प्याज को पका लिया है और ये मुझे लगे 6 मिनट पकाने में। मैंने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम में ही पकाया है लेकिन ये उतनी ज़्यादा नहीं पकी है जितना हमको दूसरी सब्जियों के लिए चाहिए, ये थोड़ा सा उससे कम पकी है। ये हल्का सा देखिए आप, उतनी नहीं पक पाई है तो हमको इतना ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है क्योंकि बाकी भी प्याज हमारी सब्जी के साथ पक जाएगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी और हल्दी को कर देंगे मिक्स और इसी के साथ आप डाल देंगे ये तोरी। और मैंने ये 1 केजी ली थी, 1 केजी का मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। और ये रस्से की तो बना नहीं रहे हम, सूखी सब्जी बना रहे हैं तो ये थोड़ी सी गल जाएगी और ये 4 लोगों के लिए सब्जी बनके तैयार होगी। तो हम इसको भी मिक्स कर देंगे, इसी में हम साथ में डाल देंगे नमक और कर देंगे अच्छे से मिक्स। हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम में ही पकाऊंगी। इसको ढक देंगे, 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे, बीच में हम 1-2 बार चला देंगे। 6 मिनट हो गए हैं और मैंने इसको 2-3 बार चला दिया था अच्छे से। और अब हम इसमें डाल देंगे ये धनिया और मिर्ची।
इसमें मसाले बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पड़ते, बस ये दो ही तीन चीज़ों से सब्जी बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो इसमें हमने ये धनिया मिर्ची डाल दी और इसको भी कर देंगे मिक्स। और इस सब्जी को बहुत ज़्यादा गलाए ना, क्योंकि फिर वो कम अच्छी लगती है। तो हम इसको बस 2 मिनट के लिए और ढक देंगे, हमारे ये भी मसाले पक जाएं। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ, बीच में एक बार चला देंगे। दो मिनट हो गए हैं, हम सब्जी को एक बार चला चुके हैं। अब मैं वापस देख लेती हूँ और सब्जी बनके हमारी तैयार हो गई है। हमको अब इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाते हैं। मैंने गैस को बंद कर दिया और ये सब्जी बनने में मुझे 13 से 14 मिनट लग गए, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये 1 kg थी, मैंने बताया था। अब हम इसको सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। हम एक प्लेट में सब्जी को सर्व कर लेंगे। और गाइस इसको ज़रूर बनाइएगा, मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। और इसको बस जब आप बनाएं तो बस इसके पकाने का ध्यान रखें, इसका मसाला भी आप ज़्यादा ना पकाएं। जो आप प्याज पका रहे हैं उसको आप बहुत ज़्यादा ना पका लें, और जब आप ये तोरी भी आप पका रहे हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा ना गलने दें। तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो हमने ये प्लेट में सर्व कर ली है और ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। मैंने इसको प्लेट में सर्व कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही टेस्टी सब्जी दिख रही है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। आप मेरा चैनल प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसके लिए थैंक यू।